हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मी पावर बैंक हाइपरसोनिक पावर बैंक जो है इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ रियल मी पावर बैंक 2 के साथ। सो गाइस, इन दोनों पावर बैंक को कंपेयर करने का मोटिव मेरा इसलिए है क्योंकि इन दोनों में जब आपको 20,000 mAh का बैटरी मिलता है, बैटरी जो है वो दिया गया है इसमें। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं, सब कुछ जो है मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मी पावर बैंक हाइपरसोनिक से। तो यहाँ पे आपको मी पावर बैंक हाइपरसोनिक में ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलता है और रियल मी पावर बैंक में भी आपको जो है रियल मी पावर बैंक 2 में आपको ब्लैक कलर एंड येलो कलर दो कलर का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही में आपको जो है प्लास्टिक बॉडी मिल जाता है। मी पावर बैंक हाइपरसोनिक में प्रीमियम मैट ब्लैक फिनिश मिलता है और रियल मी पावर बैंक 2 जो है इसमें आपको एंटी स्किड डिज़ाइन मिलता है। दोनों ही में आपको 3 पोर्ट वाला डिज़ाइन मिलता है। दोनों ही में आपको 2 USB टाइप ए पोर्ट और एक जो है वो USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। और मी पावर बैंक हाइपरसोनिक में पावर डिलीवरी 3.0 का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे रियल मी पावर बैंक 2 में ये चीज़ डिनोट नहीं किया गया है। और मी पावर बैंक हाइपरसोनिक में 50 वॉट का फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन टैबलेट्स वगैरह को आप चार्ज कर पाएंगे, इवन आप लैपटॉप को भी चार्ज कर पाएंगे। बट रियल मी पावर बैंक 2 से आप स्मार्टफोन टैबलेट वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। 18 वॉट का क्विक चार्ज का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है, बट यहाँ पे आपको जो है लैपटॉप चार्ज करने का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों ही में स्मार्ट पावर मैनेजमेंट मिलता है। मी पावर बैंक हाइपरसोनिक में स्मार्ट पावर मैनेजमेंट मिलता है और रियल मी पावर बैंक 2 में लो करंट मोड मिलता है। यहाँ पे आपको मी पावर बैंक हाइपरसोनिक में 45 वॉट का 2-way रिचार्जिंग का जो है आपको सपोर्ट मिल जाता है और रियल मी पावर बैंक 2 में 18 वॉट का 2-way रिचार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। मी पावर बैंक हाइपरसोनिक जो है इसको 0 to 100% चार्ज होने में 3 hours 50 minutes का टाइम लगता है और रियल मी पावर बैंक 2 में ये चीज़ जो है वो डिनोट नहीं किया गया है। मी पावर बैंक हाइपरसोनिक में आपको 16 लेयर का चिप प्रोटेक्शन मिलता है और रियल मी पावर बैंक 2 में आपको 14 लेयर का चिप प्रोटेक्शन मिलता है। प्राइस पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मी पावर बैंक हाइपरसोनिक का अर्ली बर्ड प्राइस है, मींस फर्स्ट सेल का प्राइस है 3,499 rupees और रियल मी पावर बैंक 2 का प्राइस है रिटेल प्राइस 1,599 rupees और मी पावर बैंक हाइपरसोनिक का रिटेल प्राइस है 4,999 rupees और अभी जो है ये क्राउड फंडिंग में चल रहा है तो 15 डेज तक ये चलता रहेगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप जो है जल्दी से जल्द जो है आप परचेस कर लें। सो गाइज, अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे मी पावर बैंक हाइपरसोनिक जो है इसमें आपको 50 वॉट का फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है और रियल मी पावर बैंक 2 जो है इसमें आपको 18 वॉट का क्विक चार्ज जो है वो सपोर्ट करता है। सो गाइज, अगर आपको एक 50 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करने वाला पावर बैंक चाहिए तो आप जो मी पावर बैंक हाइपरसोनिक के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप जो रियल मी पावर बैंक 2 के साथ जा सकते हैं जिसमें आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।